यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग के जरिए हुए 4 नियुक्तियों के मामले में पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है। जुलाई में भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से युवा कल्याण विभागों में आउटसोर्स के जरिए 4 पदों पर नियुक्तियां की मांग भेजी गई थी। विभाग ने इनमें 1 लेखाकार, 1 चतुर्थ श्रेणी और 2 पद पर सुरक्षाकर्मी के नाम तय कर भेज दिए, जिन्हें चिकित्सा परिषद की ओर से नियुक्ति दे दी गई। अब सवाल यह उठता है कि इन नियुक्तियों में धांधली की गई है। इनमें लेखाकार के लिए महापौर की बेटी श्रेया उनियाल, जबकि 1 अन्य पद पर परिषद के रजिस्ट्रार की करीबी को नियुक्ति दी गई, जो बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आम आदमी पार्टी ने बैकफुट एंट्री का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सरकार का घेराव करेगी और सरकार को चेताने का कार्य करेगी। ये ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग जो आपने बोला, तो अगर हम बात करें दिल्ली से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील हो, सॉरी लॉयर्स, वो जज हो, वो आकर 5 जज आकर अगर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो उसी समय भारतीय लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। और रही बात अब उत्तराखंड में जो जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, आप अपने रसूख से अपनी अयोग्य बेटी को नौकरी दिलाते हैं और लाखों युवाओं को आप अन्याय करते हैं उन बच्चों के साथ, तो ये तो रसूख पे बैठे जो आपको सत्ता के मद में आपको होश नहीं है इस समय कि जनता सब कुछ देख रही है। जनता ने आपको 57 विधायक दिए, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको यहाँ पर मेयर बनाया, ट्रिपल इंजन की आपको सरकार दी, तो मेयर साहब जनता के लिए काम करने की बजाय, सड़कों के लिए, नदी नालों के लिए काम करने की बजाय इस समय सिर्फ अपनी अयोग्य बेटी को नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सत्ता का जो मद इस समय बीजेपी को हो गया है, आने वाले टाइम में जनता इस बात का जवाब जरूर देगी, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। कुछ समय पहले अगर स्पीकर साहब की बात करें, प्रेमचंद अग्रवाल जी की, उनके बेटे को भी इस तरीके से बैकडोर एंट्री दी गई थी। बिल्कुल, पीयूष अग्रवाल जी को बैकडोर एंट्री दी गई थी और उस समय आप ये देखिए उपनल के माध्यम से उनको ये जॉब दिया गया था और उपनल में ये कहा गया था कि जितने भी गैर सैनिक लोग हैं उनके बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद पीयूष अग्रवाल को जल संस्थान में उन्होंने सहायक अभियंता लगाया। आप ये बताइए, आप सैनिकों की बात करते हैं, कितना बड़ा अपमान उस समय आपने सैनिक समाज का किया। हमारा पूरा उत्तराखंड सैनिकों के भरोसे है, आप पूरा उत्तराखंड, पूरा देश सैनिकों के भरोसे पे है और हमारे उत्तराखंड में एक एक परिवार से एक एक बच्चा जरूर सैनिक बना हुआ है और आपने उपनल के माध्यम से उन सैनिकों का आपने अपमान किया। जो नौकरियां सैनिकों के आश्रितों को मिलनी चाहिए थी, वहां पर आपने अपने बेटे की जॉब लगाई। आम आदमी पार्टी ने उस समय भी इसका पुरजोर विरोध किया था और पीयूष अग्रवाल जी को उस समय इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि जिन वादों को लेकर, जिन जुमलों को लेकर के बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता को झूठे वादे देकर कि हम आएंगे उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा, सब तरह के झूठे वादे करके सत्ता में आई बीजेपी की सरकार। सरकार ने आते ही अपने नेताओं को, अपने करीबियों को, उनके बच्चों को एडजस्ट करना शुरू किया है और ये बहुत बड़ा एक विश्वासघात है उन बेरोजगार भाइयों के साथ जो इस आशय से तैयारी करते हैं, जो इस आशय से स्कूल जाते हैं कि हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रांतीय रक्षा दल में जो मेरे भाई पिछले 10 साल से वेटिंग कर रहे हैं, कोई 8 साल से वेटिंग कर रहा है, कोई 15 साल से वेटिंग कर रहा है, जब से प्रांतीय रक्षा दल का गठन हुआ है तब से सैकड़ों की संख्या में लोग इस आशय से वेटिंग कर रहे हैं कि कभी हमारा भी नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। और यहाँ के मेयर और यहाँ के मुख्यमंत्री, चूंकि वो युवा कल्याण के स्वयं अध्यक्ष भी हैं, एक फोन करा करके गामा की बेटी को एडजस्ट कराते हैं, बैकडोर से एंट्री कराते हैं, सीधा सीधा नाम भेजते हैं और साक्ष्य जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। साक्षात्कार नहीं होता, किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली जाती। वो तो जब सूत्रों से खबर सामने आती है, अखबारों में छपता है, मैं मीडिया के सभी बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया, क्योंकि ये मुद्दा उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ, जो दुर्गम क्षेत्र में हमारे भाई बैठे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हम इस आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। इसके खिलाफ हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम इसकी अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और जब तक कि
इसका इस्तीफा नहीं श्रेया उनियाल द्वारा जब तक इसको इसका इस्तीफा नहीं दिया जाता इस पद से, तब तक हम संबंधित विभाग को भी हम घेरने का काम करेंगे। जो भारतीय शिक्षा परिषद है वो भी सुन ले, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए उत्तराखंड में आई है और आम आदमी के लिए काम करेगी। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।